हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं सृष्टि। दोस्तों, आज हम लोग मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फलाफल। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम चिकपी, यानी कि बड़े वाले छोले, जिसको काबली चना भी बोला जाता है। तो मैंने ये 250 ग्राम छोले लिए हैं। उसके साथ मैंने दो अनियन लिए हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, यानी कि प्याज, दो बड़े साइज का प्याज, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 10-12 कलियां मैंने लिए हैं लहसुन की। उसके बाद मैंने 3-4 लिया है ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च। थोड़े से मैंने लिए हैं मिंट लीव्स, और मैंने एक नींबू के जूस को निकाल लिया है। तो ये रहा नींबू का जूस। उसके साथ मैंने लिया है सिस्मी सीड्स, यानी कि तिल, जो कि है 2 बड़ा चम्मच। और मैंने लिया है ये मैदा, जो कि इसको बाइंडिंग के पर्पस के काम आएगा। और उसके साथ मैंने लिया है जीरा पाउडर, जो कि मैंने 2 बड़े टेबल स्पून रखा है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी फलाफल बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, हमें इसे ब्लेंड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फूड प्रोसेसर का जार। अगर आपके पास मिक्सी है तो उससे भी ये ब्लेंड हो जाएगा, बट हमें इसे कोल्सली ब्लेंड करना है। तो उसके लिए अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसी में ब्लेंड कर। दोस्तों, सबसे पहले मैंने छोले को, यानी कि चिकपी को, ओवरनाइट सोक कर लिया है। मैंने मैंने 250 ग्राम लिया है और इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप इसे 6 to 7 hours के लिए सोक करें, वो लेकिन गर्म पानी में इसे सोक करें। बट मैंने इसे ओवरनाइट सोक किया है और उसके बाद इसका पानी निकाल लिया है। दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से पूरी तरीके से पानी को हटा दिया है। उसके बाद हम इस चिकपी को एक जार में डाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे अनियंस, यानी कि कटे हुए प्याज, जो कि मैंने पहले से चॉप कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 8-10 कलियां मैंने लहसुन की डाली। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिंट, और मिंट लीव्स की जगह आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास पार्सले लीव्स हैं तो आप उसी का यूज करें, क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पार्सले लीव्स हैं तो आप उसी का यूज करें। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे तिल, जो कि मैंने 2 बड़ा चम्मच लिया है। दोस्तों, ये सफेद वाला तिल आपको यूज करना है। जीरा पाउडर डाला 1 चम्मच। साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे नींबू का जूस, जो कि मैंने 1 बड़े साइज नींबू का जूस निकाल लिया है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका पानी पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए था, और इसमें कोई भी पानी नहीं यूज करना है। बिना पानी डाले आपको इसे ब्लेंड करना है। तो मैं अब इसे ब्लेंड कर लूंगी, बट इसमें फाइन ब्लेंड नहीं करना है, इसमें कोर्सली ही, यानी कि थोड़ा दरदरा टाइप का ही आपको ब्लेंड करना है। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, तो आइए खोल के देखते हैं कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड हुआ है फ्रेंड्स, इस तरीके का आपको चाहिए। थोड़ा आपको ये कोर्स ही चाहिए, इसको बहुत फाइन नहीं करना है। आप इसमें देख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमें इसमें डालना है वो डालना है नमक, जो कि स्वादानुसार रहेगा।
साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा जो कि है एक छोटा चम्मच। बेकिंग सोडा डाल देने से हमारे फलाफल बिल्कुल लाइट वेट बनते हैं, फूले फूले से बनते हैं, उसमें अंदर एयर स्पेसेस आ जाते हैं तो इससे और भी अच्छा लगता है। और बाइंडिंग के लिए अब हम लोग डालेंगे इसमें मैदा। दोस्तों अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें बेसन का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं, बट मैदा घरों में इजीली अवेलेबल होता है तो इसीलिए मैं मैदा का यूज कर रही हूँ। और इसमें हम मैदा बाइंड करने के लिए जितना चाहिए होगा उतने का हम यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको बाइंड करने की करते रहे, इसको मिक्स करते रहे, इससे बहुत ही अच्छी सी एक एरोमा आ रही है। अब वो हमारे इस रेसिपी को और भी लाजवाब बना देती है। इसमें हम चम्मच से मैदा डाल डाल के इसको बाइंड करेंगे। हमारा डो पूरी तरीके से रेडी है और इसके बाद अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं और उसके बाद ये इस मिक्सचर को हम लोग चेक करेंगे। मिक्सचर पूरी तरीके से सेट हो चुका है और इसके बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए फ्रेंड्स अपने हाथों को ऑयलिंग कर लेनी है, अपने हाथों में तेल अप्लाई कर लेना है। कोई भी आप ऑयल अप्लाई कर ले जिससे कि ये हाथों में चिपक ना सके। और उसके बाद जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से हम फलाफल बनाएंगे। सिमिलरली हम हाथ में तेल अप्लाई कर करके इसके कई लड्डू बना लेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। इसे बिल्कुल हम लड्डू की तरह गोल गोल करके फलाफल बना लेंगे। दोस्तों अगर आपके लड्डू अगर बाइंड ना हो रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा और मैदा यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें बेसन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास भींगे हुए चने बचे हो तो उसको भी कोर्सली ग्राइंड करके इसमें यूज कर सकते हैं। जो मैंने इसमें बेकिंग सोडा यूज किया है उसके बिना भी ये बनता है फ्रेंड्स, तो अगर बट बेकिंग सोडा डाल देने से थोड़ा सा और ये लाइट वेट बनता है इसलिए बेकिंग सोडा का यूज करना अच्छा रहता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फलाफल को बना सकते हैं। मैंने इसी तरीके से पूरे मिक्सचर के लड्डू बना लिए हैं। अगर आपको टिक्की स्टाइल में पसंद है तो आप इसे दबा दबा के टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। मुझे ये लड्डू स्टाइल में पसंद है तो मैं लड्डू स्टाइल में ही बना रही हूँ। साथ ही इसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला और इसे गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। हमारा रिफाइंड ऑयल भी ये सफिशियंट गर्म हो चुका है। दोस्तों इसे हमें मीडियम हॉट ही करना है। अब हम इस फलाफल को कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों इसे बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कढ़ाई में डालें, ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। इसके ऊपर सनाटे से हल्का हल्का ऑयल डालते रहें जिससे कि इसकी ऊपरी लेयर भी ऑयलिंग होती रहे उसकी। हमारे फलाफल गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और इसको हम लोग लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स।
हमारे फलाफल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसके ऑयल पूरी तरीके से निकल जाए। कितने यम्मी लग रहे हैं ये फलाफल हमारे और ये इतने क्रिस्पी भी दिख रहे हैं, बहुत मजा आने वाली है खाने में इसको, बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं, बहुत डिलीशियस। सभी फलाफल को मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई किया है और आप ये देख सकते हैं कितने क्रंची, कितने मजेदार यम्मी दिख रहे हैं ये। दोस्तों सर्विंग की बारी आती है तो मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ और अब हम इसे दिखाएंगे आपको एक तोड़ के। आप देखिए कितने मजेदार लाजवाब बने हैं और ये अंदर से भी हॉलो है, काफी लाइट वेट है, तो आप इसे ये बाउंस बैक हो जा रहे हैं, इसे दबा दबा के भी देखा मैंने और इस तरीके से आप बनाए इसका मजा जरूर ले। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है जो कि मैंने धनिया मिर्ची की बनाई है। आप इसे हमस के साथ आप इसे सर्व कीजिए या फिर आप इसे पीटा ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं। ये मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस रेसिपी, हमस के साथ इसका टेस्ट और भी यमी आता है और इसे पीटा ब्रेड में जब हम स्टफ करके खाते हैं उसमें हमस का भी यूज करते हैं तो वो और भी लाजवाब लगता है। तो इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हर एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार बना है तो आप इसका मजा जरूर लें। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और इसका मजा लें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, एक लाइक जरूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बाय बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी, बाय।